The chance to believe in myself better and more. गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पहुंच चुका हूं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के ऊपर और यहां से आज मेरी फ्लाइट है मॉस्को की। रशिया में जा रहा हूं यार, 3 साल बाद। लास्ट टाइम मैं रशिया गया था जब मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी मेरी, रशिया मंगोलिया चाइना, 4 महीने की ट्रिप थी और बड़ी वाइल्ड ट्रिप थी वो। मंगोलिया के अंदर लगभग 1.5 से 2 महीने रुका था, उसके बाद चाइना से जैसे मैं घर पे पहुंचा 1 महीने बाद या 15 दिन बाद कोविड आ गया था। वुहान को मैंने लिटरली क्रॉस किया था उस टाइम पर, ये अक्टूबर की बात हो गई। बड़ा तगड़ा सीन हो गया था जैसे मैं घर पे पहुंचा। मैं यार अगर 1 महीने चाइना में और रुक जाता या 15 दिन और रुक जाता तो मैं वापस ही नहीं आ सकता था चाइना से। लोग वापस हो बाद में फ्लाइटें चल गई थी, ऐसा ज़्यादा माहौल बना रहा हूँ मैं। मेरी फ्लाइट है 10 बजे की, टाइम हो चुका है 8:30। अंदर जाके अभी जल्दी से चेक इन वैक इन करूँगा, इमिग्रेशन क्लियर करना है। 3 या 4 बजे मैं मॉस्को पहुँच जाऊँगा। जब मैं पिछली बार मॉस्को गया था और अब की बार मैं मॉस्को जा रहा हूँ, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं रशिया के अंदर, आप सभी को पता है, और उन्हीं सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं। लेकिन एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि रशिया में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। मैं अकेला ट्रैवल करूँगा कुछ दिन और उसके बाद वापस से मुझे शुभम ज्वाइन कर लेगा और फिर हम दोनों जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, मुर्मंस सिटी। शायद जो लोग मुझे बहुत पहले से देखते हो, मुर्मंस में पहले भी गया था, शुभम भी जा चुका है, लेकिन आपके और हम दोनों साथ में जाएंगे तो एक अलग टाइप का फन होगा, अलग टाइप के एक्सपीरियंस होंगे। बस अभी चेक इन करना है। मॉस्को की फ्लाइट है भाई 10 बजे की। हाँ मॉस्को एरिया दिखा नहीं रखा, तो एरिया 1 में मिलेगा मॉस्को के जस्ट 15 मिनट बाद। ये कितने नंबर की फ्लाइट है, फ्लाई दुबई ने जो अपनी फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी है रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। आजकल काफ़ी रशियंस इधर आ रहे हैं दुबई में। इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब बस मुझे गेट के ऊपर जाना है, गेट है F12। मैं आज फ्लाई करने वाला हूँ फ्लाई दुबई, मुझे 4 बजे मॉस्को में उतार देगी। शुभम ने मेरे लिए आज एक मस्त जगह बुक की है। क्या नंबर है मेरा, 13 है यार। बोर्डिंग हो चुकी है और मैं एकदम जो इंजन वाली साइड है ना उसके पास बैठा हूँ। फ्लाइट एकदम टाइम से है, 5 से 10 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, तो आज मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने अफ्रीका जब गया था ना तो इसको ले जाना भूल गया था। विंटर में मंगोलिया करने का भी मन है और विंटर में रशिया करने का भी मन है, तो देखते हैं कि कैसा सीन रहेगा कैसे नहीं। लैंडिंग हो चुकी है और अब यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा इमिग्रेशन क्लियर करने में, क्योंकि 2-3 फ्लाइट लैंड हुई हैं, तो वेट मेरे हिसाब से अच्छी खासी हो जाएगी। मॉस्को का वनकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस भाई अरे कुछ भूलना गया हूँ, बस ये पंगा है कान में ना, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है। कोविड के बाद सारी रेस्ट्रिक्शन खुल चुकी हैं और अब आप इजीली रशिया में विजिट कर सकते हो। वीज़ा का प्रोसेस भी इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो तो भी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इजीली आपको रशिया का वीज़ा मिल जाएगा। स्वागत है आपका रशिया के अंदर। इमिग्रेशन एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं पूछा, नथिंग। लगेज मेरे पास है नहीं, एक बार वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं सीन क्या रहेगा क्या नहीं। बाहर आते ही मैंने सिम कार्ड खरीद ली, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। सिम कार्ड मैंने ली है बीलाइन की, रशिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है नेटवर्क के मामले में। MTS भी है, बीलाइन भी है, मेगाफोन भी है। हर बार मैंने अलग अलग कंपनियाँ यूज़ की, जब मैं पहली बार आया था मैंने यूज़ की थी MTS, दूसरी बार आया जब तब मैंने यूज़ किया मेगाफोन, और अब की बार मैं यूज़ कर रहा हूँ बीलाइन। जब भी आप इस वनकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आओगे तो यहाँ से आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस भी मिल जाएगी और उस एयरपोर्ट एक्सप्रेस के थ्रू आप एयरपोर्ट से सिटी के अंदर जा सकते हो, बहुत जल्दी पहुँचा देगी। और दूसरा, यहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएंगी और तीसरा, यहाँ से आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगी। बस आपके मोबाइल में येंदेक्स ऐप होनी चाहिए और उस येंदेक्स ऐप से आप इजीली कहीं की भी टैक्सी बुक कर सकते हो फ्रॉम योर मॉस्को एयरपोर्ट। मॉस्को में 4 एयरपोर्ट पड़ते हैं, मैं अभी हूँ वनकोवा पे, तो इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहा था मैं, एक्सप्रेस ट्रेन टू मॉस्को। अब यहाँ से आज मैं टैक्सी पकड़ के जाने वाला हूँ, जहाँ तो मैं बस से भी सकता था लेकिन आज थोड़ी रईसी दिखाने का मन है। अब मैं मेरे लिए टैक्सी ऑर्डर करने वाला हूँ, तो ये पॉलीमैन इंडेक्स गो जो नॉर्मल टैक्सी है, यहाँ से मेरे होटल की होटल है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर, तो 919 रूबल नॉर्मल टैक्सी में लगेंगे, कंफर्ट में 1226, लेकिन हम करेंगे अल्टिमा में।
और अल्टिमा में भी बिजनेस। पेमेंट मैं कैश के थ्रू करने वाला हूँ और यहाँ से मेरे होटल के लग जाएंगे 2000 रूबल। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है कि मर्सिडीज, अरे भाई साहब देख रहे हो मेरे लिए आएगी मर्सिडीज बेंज ई क्लास। आज तक मैंने मर्सिडीज की टैक्सी में ट्रेवल नहीं किया है। ओ भाई साहब मेरी टैक्सी आ गई यार, बड़ी रेसी है भाई। ड्राइवर भाई साहब ने आते मेरा बैग लिया और पीछे रखने चले गए। थैंक यू। रेडी? राइट। यू स्पीक इंग्लिश? नो नो। पारुष के चुचू पने में आया? पारुष के, पारुष के। ते откуда? Я из России, а если конкретно из Брянска. Брянск. रशिया में लैंड अभी ढंग से हुआ नहीं हूँ, लेकिन आते जो रशियन थोड़ी बहुत सीखी है वो यूज करने लग गया हूँ मैं। बैठ के है ना आत्मा तृप्त हो गई है भाई, इतनी कंफर्टेबल सीट। शायद मर्सिडीज में मैं दूसरी या तीसरी बार बैठ रहा हूँ, टैक्सी में तो पहली बार ही। कभी माहौल ही नहीं पड़ा है यार। ये वाले जो फीचर हैं अगर आप करना चाहते हो तो यंदेक्स के ऊपर आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। सस्ती से सस्ती कैब भी बुक कर सकते हो और महंगी से महंगी एकदम फुल रईसी वाले भी, जो मैं आज कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर आप टैक्सी के फेवर में नहीं हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा यंदेक्स मैप्स। उसके थ्रू आपको सारी की सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप रशिया के किसी भी सिटी में चले जाइए, वहाँ से आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई कौन सी बस में जाना चाहिए, कौन सी ट्रेन जाएगी, कौन सी ट्रैम जाएगी, कौन सी मेट्रो जाएगी, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऊपर अवेलेबल है। ये देखिए सरगी। तो सरगी भाई बोल रहे हैं कि उनको अंग्रेजी उतनी अच्छे तरीके से नहीं आती है, तो मैं ट्रांसलेटर यूज़ कर सकता हूँ। कोई बात नहीं यार, काम चलाओ, रशियन तो मेरे को भी आती है। वेट ही करता रहता हूँ मैं कि किसी सोवियत कंट्री में जाऊँ। 10-15 वर्ड आप लगभग हर लैंग्वेज की सीख जाओगे जब भी आप किसी कंट्री में विजिट करोगे। लेकिन रशियन के साथ थोड़ा अलग कनेक्शन है, क्योंकि रशियन मैंने पढ़नी भी सीख ली थी, ये सब अपने आप ही सीखा है, और काम चलाओ बोलनी भी आ जाती है। तो जब भी मेरे को थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना मेरे रशियन की स्किल्स दिखाने का, मैं रुकता नहीं हूँ। मैं एकदम सामने वाले को ऐसा फील करा देता हूँ कि रशियन मस्त आती है। लेकिन इस कारण से मेरे साथ कई बार दिक्कतें भी हो जाती हैं। दिक्कत क्या होती है कि लोगों को लगता है कि अब तो भाई साहब बंदे को ठीक आती है, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें बोलने लग जाते हैं, अब वो फिर एकदम ऊपर से निकल जाती है। पर अब ये ट्रेड चलता ही रहेगा यार, या तो आप शो ऑफ कर लो नहीं तो फिर चुपचाप बैठ जाओ। इंडिया और रशिया के बीच में फ्लाइट के ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं। कोविड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा फ्लाइट एक्सपेंसिव हो गई थी, लेकिन अब वापस से जो फ्लाइट के प्राइसेस हैं वो ठीक ठाक आने लग गए हैं। आपको एयर इंडिया की फ्लाइट मिल जाएगी, आपको एरोफ्लोट की फ्लाइट मिल जाएगी, ये तो है डायरेक्ट ऑप्शन। और दूसरा फिर जैसे मैं आया हूँ आज फ्लाई दुबई के थ्रू, आप वाया दुबई भी आ सकते हो, वाया शारजा भी आ सकते हो। यंदेक्स ने अपने नाम का पानी भी निकाला है, आई थिंक इन स्पेशल टैक्सीज के लिए होगा यंदेक्स अल्टिमा। एक बात जो मैंने अपनी हर रशियन ट्रिप में नोटिस की है कि लोग बोलते हैं कि आपको लग्जरी कार्स ज़्यादा दुबई में मिलेंगी या फिर मिडिल ईस्ट में ज़्यादा मिलेंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जो बात मैंने फील की है, जब आप रशिया में आते हो ना, रशिया के लोग भी जो लग्जरी कार्स हैं इनके काफ़ी दीवाने हैं। स्पेशली जो जर्मन गाड़ियाँ हैं दबा के चलती हैं यहाँ पर। ये पुरानी सोवियत स्टाइल के बिल्डिंग्स, हरे हरे रोड, छोटे छोटे रोड। ये जा रही है हमारे नीचे से मॉस्को रिवर। भाई साहब पहुंच गए मेरे होटल के सामने। काकोइन एमिया रेडिसन ब्लू ओलंपिक्स की, रेडिसन ब्लू ओलंपिक्स की, पता मुझे ओलंपिक्स की प्रोस्पेक्ट, ओलंपिक्स की प्रोस्पेक्ट। तो रशियन के अंदर स्ट्रीट को बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। पहुंच गए हैं भाई हमारे होटल में। चेक इन वेक इन करने के बाद आपको फिर रूम टूर दूंगा। आज तो खुद गेट भी नहीं खोल रहा हूँ, पर यार बंदा अच्छा है यार सरगी भाई। स्पेसिफिक ब्रथ हो रहे, बाप रे सर सीधा नहीं हो रहा है मेरा। ऊपर एक बंदा देख रहा है मेरे को, हेलो भाई। हेलो, वेयर इज द रिसेप्शन? ऑन दैट साइड। वेलकम टू पंचो, माय नेम इज डारिया। हेलो, हाय डारिया, हाउ आर यू? वेलकम टू मॉस्को। थैंक यू स्पेसिफिक। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। हाउ इज योर ट्रिप? इट वाज ग्रेट। व्हाट्स योर नेम? आई फॉरगॉट। डारिया। 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 तो होटल के अंदर पहुंच गया हूं मैं, बस अभी चेक इन करना है। आई शुड गिव माय पासपोर्ट। यार पासपोर्ट की सबसे बड़ी कमी पता है क्या? जैसे ही पासपोर्ट ओपन करते हैं ईरान का वीजा सबसे पहले आता है मेरा। द किचन इज ओपन 24 आवर्स। यस यस ऑफ कोर्स। ओके थैंक यू।
अच्छा मस्त बात आपको बताता हूँ कि मैंने इसे रिक्वेस्ट की मेरे को अच्छा रूम दे दीजिए। जब भी आप इस टाइप के होटलों में आओगे तो आपका जो अपनी की है वो यहाँ पे टैप करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बिना आपकी लिफ्ट भी काम नहीं करेगी। क्या होगा कानों में क्या हो रहा है एकदम से? गाइस वेलकम बैक टू मदर रसिया। 30th फ्लोर इधर। मुझे ये लगता है कि लग्जरी वाला सिर्फ फील मैंने दुबई में लिया, लेकिन आज उसे मस्त होने वाला है कन्फर्म। सो स्वागत है आपका मेरे रूम नंबर 3006 के अंदर। सबसे पहले रचोरे किमें तो कमाया तुमने यार। यहाँ का बाथ, बाथरूम, वॉशरूम, अरे भाई साहब क्या व्यू है भाई। भाई साहब दीवाना हो गया हूं मैं इस व्यू का। ये होटल के रूम से व्यू है। 30वें फ्लोर पे मेरा रूम है। वेलकम टू रेडिसन ब्लू, स्टे फॉर द व्यू। इधर मेरा बेड। लाइफ में पहली बार मैं लग्जरी को देख के कैरिड अवे हो रहा हूँ। आज तक इतने महंगे होटल, इतनी महंगी चीजें कभी नहीं की थी। अपना देसी बैग भी आ गया है। ये बैग बड़ा प्यारा है। आजकल है ना मैं दूसरा बैग लेके ही नहीं आता हूँ। कल रात को मैं और शिवम डिस्कस कर रहे थे कि हम दोनों अपने बैग के अंदर वेट कम कैसे कर सकते हैं ताकि ट्रैवलिंग करते टाइम ज़्यादा चीज़ें ना ले जानी पड़े। देखिए ये तो हमारी है काइंड ऑफ नॉर्मल ट्रिप। इस ट्रिप के बाद से मैं और शिवम वापस से जो मंगोलिया वाले टाइप एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मुझे भी टेंट खरीदना है, शिवम को भी टेंट खरीदना है, लेकिन हम दोनों एक कंट्री साथ नहीं ट्रैवल करेंगे। हम रशिया ट्रैवल करेंगे, उसके बाद शिवम शायद निकल जाएगा अपने साउथ अमेरिका की तरफ और मैं अपने एकदम ईस्ट एशिया, और कुछ मस्त वाले एक्सपीरियंस और मिलने वाले हैं तो उन सभी चीज़ों के लिए, ताकि हम ज़्यादा चीज़ें भी कैरी कर पाएँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा वेट भी ज़्यादा ना बढ़े। अब जैसे मान लो कि यार उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, जब शॉपिंग करने जाएंगे ना तब आपको पूरे ढंग से एकदम डिटेल में समझाएंगे। मैं तो यार इस रूम को देख के खुश हो गया हूँ। पैशन फ्रूट रवांडा में मैंने दबा के खाया था ये, और बहुत अच्छा था वहाँ पे। सच्ची बताओ मेरे ये पासपोर्ट यहाँ पे रखने का मन नहीं कर रहा है, इतना मस्त ऑर्गेनाइज हो रखा है। मैं सोऊंगा कैसे? दिमाग ये खराब हो जाएगा कि बेटा सो मत दीपांशु, इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज। पुरानी यादें ताजा हो रही है। सबसे पहले आया था 2018 में, उसके बाद आया 2019 में, और अब आ रहा हूं 2022 में। अब इन फ्रूट्स का आनंद लेता हूं। बहुत देर हो गई थी यार, भूख भी लगी हुई थी, फ्लाइट में कुछ ज्यादा खाया भी नहीं था। एक बार इन फ्रूट्स को खाता हूँ और उसके बाद जाऊंगा बाहर। तो आपका स्वागत यहाँ पे फ्रूट्स के साथ किया जाता है। गिनने ही नहीं आ रहे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्वागत है आपका मॉस्को शहर में। रशियन में मॉस्को को मोस्कवा बोला जाता है। जो आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है रेडिसन ब्लू, ये है मेरा होटल, और इन्हीं में से शायद मैं मेरा होटल का रूम देख सकता हूँ क्योंकि व्यू सामने यही वाला आ रहा था। होटल से बाहर आ गया हूँ। आज कोई ऐसी स्पेशल जगह तो नहीं देखने जा रहा हूँ मैं, पर एजेंडा है कि जो मॉस्को की पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करना यहाँ के माहौल से, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी मैं यहाँ पे एक अच्छा सा कैफे देख रहा हूँ, कोई कैफे वैफे मिल गया तो लोगों से बात बात करूँगा, वहाँ पे बैठे बैठूँगा और कल से फिर मस्त मस्त जगह घूमने स्टार्ट करूँगा। 2-3 दिन बाद शुभम आ जाएगा और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे नॉर्थ की तरफ। मैं गलती से पता नहीं कौन सी बिल्डिंग में घुस गया इधर। दो बार मैंने मैप्स वैप्स के ऊपर देख लिया, वो कैफे उतने अच्छे हैं नहीं। मुझे लग रहा है लोगों से ही पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे कैफे अच्छे कौन से हैं। मेट्रो का ही पता नहीं, लग रहा है मेट्रो के आसपास कैफे होंगे। You know where is metro? Прямо, как метро. Я уже все забыл. Я, короче, посвечу. Okay, thank you. Спасибо. भाई लोगों को भी नहीं पता यहाँ पे, आई थिंक आगे होगी। मुझे कैफे तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर घूमते घूमते इंस्टा पे मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया, और वो पहले यकतनबर्ग में रहती थी, और उनका मैसेज आया कि हे दीपांशु यू आर इन मॉस्को, आई ऑल्सो लिव इन मॉस्को। फिर मैं यार ये तो पुराने दोस्त मिल गए, उनसे मैं मिला था जब मैं मंगोलिया वाली ट्रिप कर रहा था तो उनके पास रुका था मैं, अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ कैफे वैफे
उन्होंने बोला कि मेरे घर के पास एक मस्त कैफ़े है, वहाँ पे बैठ के चाय वाय पियेंगे, गप्पे वप्पे मारेंगे और वापस से फिर मैं होटल आ जाऊँगा। बहुत देर की मेहनत के बाद मैं जो मेरी फ्रेंड हैं जीनिया उनके पास पहुंचा, फिर रास्ते में आते टाइम एक वाइन लेके आ गया था। सारी चीज़ें भागते भागते हुई थी, आपको पता है यार, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यार घर पे खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे फ्रेंड जीनिया से। हे जीनिया, हाउ आर यू? Hey, nice to meet you very much, and I'm really happy to meet you again, and so like exact time. And पता है मजे की बात क्या है कि हम एग्जैक्ट 3 साल बाद मिल रहे हैं। लास्ट टाइम हम मिले थे यकतिनबर्ग में और इस टाइम हम मिल रहे हैं मॉस्को में। सो हाउ द थिंग्स नाउ, यकतिनबर्ग टू मॉस्को, यू आर लविंग इट? आई एम लविंग इट, आई एम ग्रेटफुल टू माय डेस्टिनी, टू माय सेल्फ दैट आई मेड दिस मूवमेंट। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, एंड अगर सब सही रहा तो मैं वापस मॉस्को आऊंगा और जीनिया के साथ रुकूंगा। Once again, you're always welcome, and thanks. I'm sure that you understand it from my, like, it was the first impression to just invite you to meet the, up. The thing is, I didn't expect this because even if you need the place, you can stay. No. Tonight I will go there. I will try to come on weekend so that I won't disturb you much, and we can have a great fun. Okay. फॉर द ओल्ड मेमोरीज गाइज, अब मेरा चलने का टाइम आ गया है, लगभग 8:30 बजे पहुंचा था, तब से हम बातें कर रहे थे, एक एक ग्लास हमने वाइन के लिए। गुड नाइट, थैंक यू, बाय गाइस। चलो अब मैं निकलता हूँ मेरे होटल की तरफ। जो मेरे फ्रेंड है उनके घर से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ होटल के अंदर। रशिया के अंदर 0 फ्लोर नहीं होता है, ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे 1 है, -1, 2, 3, 25 तक फ्लोर है यहाँ पे, लेकिन 0 नहीं है, ना जी है। ये पहुंच गया मैं मेट्रो स्टेशन के ऊपर। शांति देखिए भाई, 12:15 हो चुके हैं, लेकिन मॉस्को की मेट्रो शायद 1 या 1:30 बजे बंद होती है। अरे भाई साहब, पूरा खाली पड़ा है मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो मिल गई मेरे को, मुझे लग रहा था कि मेट्रो बंद हो गई होगी। टिकट विकेट और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ढंग से समझाऊंगा। पहुंच चुका हूँ वापस होटल में, नींद आ रही है ज़बरदस्त, लेकिन भूख भी लगी हुई है, तो ज़्यादा सबसे पहले खाना ऑर्डर करूँगा, कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, तब तक शायद खाना बना आ जाएगा। रेडिसन ब्लू, ये देख रहे हो आप, ऊपर रवांडा, नीचे कॉन्गो। कपड़े चेंज करने के बाद हाथों हाथ मैंने खाना ऑर्डर कर लिया। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो किचन है वो 24 आवर्स ओपन रहती है, तो जब आप खाना चाहो हाथों हाथ ऑर्डर कर सकते हो। खाना बनने में लगभग 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, तब तक एक पावर लैंप ले लेता हूँ। भूख लगी हुई, लेकिन भूख के साथ साथ नींद भी आ रही है। इसको लाइट को करते हैं बंद, और जो रूम की बाकी लाइट है, अरे द फूड इज रेडी, आई स्लेप्ट एंड आई फॉरगॉट दैट आई हैव ऑर्डर्ड फूड। तो भाई साहब खाना आ गया है, खाना बड़ी जल्दी आ गया और एकदम आलीशान तरीके से है। मैंने मंगाया मटन बारबेक्यू, मशरूम एंड पोटैटो फ्राई। इस होटल की एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है। प्रियातना अपतीता, रशियन में बोन अपतीत को बोलते हैं प्रियातना अपतीता। जल्दी से अब खाना वाना खा के सो जाऊँगा मैं, 3:30 बज चुके हैं। अब मेरे हिसाब से इस थकावट भरे दिन को अंत देना चाहिए। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, keep traveling and keep enjoying your life. Bye bye.